जोहार दोस्तों, जय झारखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड के एक महान आदिवासी नेता, अभियंता और समाज सुधारक की। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं कार्तिक उरांव की, जो झारखंड के आदिवासियों के मसीहा थे। उनका जन्म 29 अक्टूबर 1924 को गुमला जिले के लीटाटोली गांव में हुआ था। वे जौरा उरांव और बिरसो उरांव की चौथी संतान थे। उनका जन्म कार्तिक महीने की अमावस्या को हुआ था, इसलिए उनका नाम कार्तिक रखा गया। 1942 में गुमला से स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने इंटर की पढ़ाई साइंस कॉलेज पटना से की। फिर उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से बीटेक किया। कार्तिक उरांव उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन चले गए और वहां से कई योग्यताएं प्राप्त की। उन्होंने 1959 में दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमेटिक पावर स्टेशन का प्रारूप ब्रिटिश सरकार को दिया था, जो आज हिंकले न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से स्थित है। कार्तिक उरांव 9 वर्षों तक विदेश में रहे। 1961 में भारत लौटने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कार्तिक उरांव की प्रतिभा को सराहा और रांची के एचईसी में सुपरिटेंडेंट कंस्ट्रक्शन डिजाइनर के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की। बाद में उन्हें डिप्टी चीफ इंजीनियर डिजाइनर के पद पर प्रोन्नति मिल गई। लेकिन उस समय छोटा नागपुर के आदिवासियों की दुर्दशा देख कार्तिक उरांव ने समाज के लिए काम करने का संकल्प लिया और 1965 में एचईसी की नौकरी छोड़ राजनीति में प्रवेश किया। उनका राजनीतिक जीवन आसान नहीं था। 1962 में संसदीय क्षेत्र लोहरदगा से लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1967 के चुनाव में पुनः लोकसभा चुनाव में कूदे और भारी मतों से विजय हुए। 1968 में जब भूदान आंदोलन तेज था, तब आदिवासियों की जमीन कौड़ी के भाव बिक रही थी। ऐसे समय में कार्तिक उरांव ने इंदिरा गांधी से अपील की कि आदिवासियों की जमीन लूटने और भूमिहीन होने से बचाएं। कार्तिक उरांव का प्रयास सफल रहा। इंदिरा गांधी ने भूमि वापसी अधिनियम बनाकर आदिवासियों की खोई जमीन वापस करने की व्यवस्था की। रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कार्तिक उरांव की देन है। ट्राइबल सब प्लान कार्तिक ने ही बनाया था। इसी प्लान के आधार पर आज केंद्र व राज्य सरकार आदिवासियों के विकास के लिए विविध प्रकार की विकास योजनाएं चला रही है। आज भी लोग 1980 की घटना को याद करते हैं, जब सरकारी संस्थाओं व नौकरियों में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के आरक्षण की अवधि 26 जनवरी 1980 ईस्वी को समाप्त होने वाली थी। इसी बीच कार्तिक उरांव ने आरक्षण अवधि को आगे बढ़ाने के लिए आवाज़ बुलंद की। परिणाम स्वरूप 1990 तक के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ा दी गई थी। ऐसे महान आदिवासी नेता हमारे बीच नहीं है। 8 दिसंबर 1981 ईस्वी को संसद भवन के गलियारे के फर्श पर गिर गए, जहां से बेहोशी की हालत में उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया। हृदय गति रुकने से उनकी 57 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। उनका समाधि स्थल उनके पैतृक गांव लीटाटोली में है। उनके पास जीवन में हर कुछ था, धन दौलत, इज्जत शोहरत, हर कुछ। फिर भी उन्होंने अपने जीवन को आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित किया। उन्होंने अपने जीवन को और अधिक मूल्यवान बनाया। इसलिए कहते हैं ना, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। आज आदिवासी समाज को ऐसे ही प्रतिभाशाली नेताओं की जरूरत है। धन्यवाद। जय झारखंड।